बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल दैट यू ऑल आर प्रोमोटेड टू द न्यू क्लास। प्रीवियसली एज यू नो दैट इन लास्ट टाइम योर पेपर इज़ अप टू द पीरियड्स एंड ग्रुप्स, एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट द पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज विच इज़ जस्ट नेक्स्ट टू द पीरियड्स एंड ग्रुप्स। So what is the periodicity of properties which is present in the chapter number 3, and the chapter name is periodic table and periodicity of properties. Now what is the meaning of periodicity of properties? As you know that periodicity means the repetition of properties, okay? Repetition, a pattern of repeating properties at regular intervals is called periodicity. Means jab ek cheez repeat ho rahi hai, just periodicity ke liye mind mein rakhein the repetition, theek hai, ki jab repeat hona, जब प्रॉपर्टीज, यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज की बात है तो मतलब जब प्रॉपर्टीज रिपीट्स होती हैं, रिपीट होती हैं आफ्टर सम टाइम, सो दैट इज कॉल्ड एज द पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। एज वी डिस्कस इट्स प्रॉपर डेफिनेशन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज इन ऑल द पीरियड्स एंड ग्रुप्स आफ्टर अ सर्टन इंटरवल्स आर कॉल्ड पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। As you know that we studied in the periods and groups that the elements are arranged according to their increasing atomic number, ठीक है, जब सारे जितने भी elements हैं वो अरेंज हुए हैं increasing atomic number, मतलब atomic number की base पे। तो so जो जितने भी कितने हमारे पास groups हैं, total हम कहते हैं 8 groups हैं और 7 periods हैं, तो 8 groups के according अगर हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि जो 8 elements के बाद जो 9th one आता है, तो 9th one की property 1st one के बिल्कुल क्या होगी, एक जैसे होगी, मतलब उसकी प्रॉपर्टी जो है तो वो बिल्कुल सेम होगी। सो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे पास देखें तो थोड़े टाइम के बाद प्रॉपर्टी क्या हुई है, वो रिपीट हुई है, ठीक है। सो इस रिपीटेशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अगेन हम देख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ इन ऑल द पीरियड्स एंड ग्रुप्स आफ्टर अ सर्टन इंटरवल्स आर कॉल्ड पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। लाइक जैसे कि अब 10th वन आएगा तो 10th वन की प्रॉपर्टीज़ 2nd वन के बिल्कुल सिमिलर होगी, ठीक है। सो इसको रिपीटेशन का नाम दिया गया है, सो दिस इज कॉल्ड एज द पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। हम इसकी प्रॉपर जब एक्सप्लेनेशन देखते हैं, देन इन अ सेम ग्रुप ऑल द एलिमेंट्स विल हैव द सेम जनरल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम एक ही ग्रुप में देखते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज, मतलब जनरल वो ये फिजिकल है या केमिकल प्रॉपर्टीज। जनरल प्रॉपर्टीज में तो खैर सिंपल, हम उसका जो है तो फिजिक वगैरह देखते हैं कि मतलब सॉलिड स्टेट में है या इस तरह। फिजिकल में फिर हम उसका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह, कलर वगैरह देखते हैं, टेस्ट वगैरह। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं कि ये जो है तो रिएक्ट कैसे करते हैं आगे, ठीक है, मतलब आगे रिएक्ट कैसे करेंगे। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, या फिर अगर इसी तरह अगर उसके बाद वाला एलिमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल वी से दैट द पोटेशियम, तो पोटेशियम अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा इनकी जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी वो बिल्कुल सेम आएगी। क्यों? बिकॉज द केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड यू नो दैट इन अ सेम ग्रुप देयर इज़ वन इलेक्ट्रॉन, मतलब हर एक जो ग्रुप होगा उसमें जो है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आउटर मोस्ट वाले, दे आर द सेम, सो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो द सेम, बिकॉज इन केमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है। सो इसीलिए हम कहते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बिल्कुल सिमिलर होती हैं, ठीक है। फिजिकल में थोड़ा सा हम बता देते हैं, लाइक उसका हम स्पेशली हम कहते हैं कि मतलब ये जितने भी ग्रुप फर्स्ट के मेम्बर्स हैं तो ये सारे के सारे जो है तो हम कहते हैं सॉलिड स्टेट में हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन बिकॉज इट इज़ अ नॉन मेटल, ठीक है। इट मीन्स आफ्टर अ सर्टन इंटरवल द प्रॉपर्टीज ऑफ द गिवन एलिमेंट्स आर रिपीटेड। तो देखें, अगर हम 8 ग्रुप्स की बात कर रहे हैं तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया 8 ग्रुप्स के बाद 9th वन, तो मतलब 9th वन जो आ रहा है तो वो ग्रुप फर्स्ट में ही आ जाएगा, तो ग्रुप फर्स्ट में फिर इनकी प्रॉपर्टीज थोड़े टाइम के बाद क्या हुई हैं, रिपीट हुई हैं, ठीक है। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द एटम्स, सो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं एटम के साइज पर, ठीक है। द साइज ऑफ एटम्स चेंज ग्रेजुअली फ्रॉम टॉप टू बॉटम, therefore elements show changes in physical properties in the same group। एक ही अगर हमने कहा कि एक ही ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम हैं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट। वाई? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द एटम, ठीक है, या साइज ऑफ द एटम पे डिपेंड करता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो टॉप टू बॉटम, क्योंकि हम कहते हैं व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। द नंबर इफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल इंक्रीज ग्रेजुअली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो सेम ग्रुप में तो वो सेम हैं, लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वो फिर क्या होंगी, आहिस्ता आहिस्ता क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, ठीक है।
सो हम यही कह रहे हैं कि देयरफॉर द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो शो वेरिएशन इन द सेम मैनर, जिसकी वजह से हम कहते हैं केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखिए वेरिएशन आ रही है. केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी एक ही ग्रुप की डिफरेंट है. लेकिन अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी उनकी डिफरेंट होंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज फिर क्या होंगी सेम होंगी, क्योंकि उनका साइज तकरीबन साइज़ भी उनका डिफरेंट ही होगा, क्योंकि तब भी जो है तो साइज़ कम ही हो रहा होता है. सो ये वेरिएशन आ रही होती हैं. दैट्स व्हाई देयर इज़ द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट ग्रुप्स एंड पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल वेयर द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स. ठीक है, सो इसलिए प्रॉपर्टीज जो हैं तो वो इन ग्रुप्स और पीरियड्स में क्या हो रही हैं थोड़े टाइम के बाद हम कहते हैं रिपीट हो रही हैं. कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ उनकी रिपीट हो रही होती हैं. केमिकल तो रिपीट हो रही होती हैं, फिजिकल में हम स्पेशली मैंने आपसे कहा हम जो है तो स्टेट्स की बात करते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैशियस स्टेट की. ठीक है, देख लें यहाँ पर आपके पास आपको जो है तो एक पीरियोडिक टेबल का स्केच सा बताया गया है, जिसमें आपको आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सा बताया गया है. सो या आप आगे इंशाल्लाह इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे. ठीक है, ओके. नाउ व्हाट इज एटॉमिक साइज, देखें व्हाट इज एटॉमिक साइज मींस एटम का साइज. एज यू नो कि जो साइज ऑफ एन एटम इज नॉट रिजिडली फिक्स्ड, जो एटम का साइज होता है वो फिक्स नहीं होता, ये वेरी कर रहा होता है जो है तो जब ये डिफरेंट कम्बिनेशन मतलब जब ये दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है तो तब इसका साइज चेंज हो जाता है. लाइक अगर हम हाइड्रोजन को अकेले में देखेंगे तो उसका साइज अलग होगा, लेकिन जैसे ही फॉर एग्जांपल वो क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा तो उसका साइज चेंज हो जाएगा. ठीक है, सो इसीलिए कह रहे हैं कि द साइज ऑफ एन एटम इज नॉट रिजिडली फिक्स्ड बट इट वेरीज व्हेन कंबाइंड विद डिफरेंट एटम्स. ठीक है, द डिफरेंट द एटम मे हैव डिफरेंट साइजेस इन डिफरेंट कंबिनेशन. एक ही एटम होगा लेकिन उसका साइज जो है वो वेरिएट करेगा, वो चेंज होता रहेगा. क्यों? क्योंकि उसकी जो है कंबिनेशन अगर वो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होगा तब. एन एलिमेंट इन द आइसोलेशन हैज डिफरेंट साइज. आइसोलेशन मीन्स जब वो अकेले में होते हैं. ठीक है, देन व्हेन इट इज कंबाइंड विद द अदर एटम्स. ठीक है, जब और मतलब देखें आपसे कहा अकेले में उसका साइज अलग होगा लेकिन कंबाइंड में उसका साइज बिल्कुल चेंज होगा. ठीक है, सो द एटॉमिक साइज ऑफ एन एटम, जिस तरह हम लोग कहते हैं ना कि एक एटम का साइज हम कैसे मालूम कर सकते हैं, तो एक एटम का साइज मालूम करते हैं हम किस चीज़ से, एटॉमिक रेडियस. एक एटम होगा तो एटॉमिक रेडियस से हम मालूम करेंगे. दो एटम्स कंबाइंड फॉर्म में हैं तो कोवेलेंट रेडियस से मालूम कर सकते हैं, और अगर आयंस का हम मालूम करना चाहें तो फिर उसको हम आयोनिक रेडियस कहते हैं. ठीक है, आगे हम एक्सप्लेन करते हैं फिर. नाउ व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, एज यू नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस. न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का जितना डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं जो है तो एटॉमिक रेडियस कहते हैं, क्योंकि एटम की बात हो रही है ना. अगर सिंपल भी आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा कि सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट तक जितना होता है उसको हम रेडियस कहते हैं. अब ये एटम की बात है, सो द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस. उसको क्या कहा जाता है? एटॉमिक रेडियस कहा जाता है. ठीक है, फिर आपके पास क्या आ जाता है? सबसे पहले देखें आपके पास ये जो आपको बताया गया है, देखें एटम में सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक जितना डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस कहते हैं. क्लियर. नाउ व्हाट इज द टाइप, इट इज़ द रेडियस ऑफ आइसोलेटेड एटम. हम स्पेशली एटॉमिक रेडियस में हम लोग एक एटम की बात करते हैं. सो एक एटम की बात हो रही है, इसको हमेशा हमेशा जो है तो हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको सिंपल आर से. ठीक है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं. द एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल्स. जितना नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होते जाएंगे जाहिर बात है रेडियस भी उतना ही क्या होता जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, सो इसलिए हम कहते हैं कि एटॉमिक रेडियस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल. क्लियर. अच्छा, जिस तरह हर एक चीज़ का यूनिट होता है सेम इस तरह एटॉमिक रेडियस का भी यूनिट है, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस चीज़ में, नैनोमीटर में, पिकोमीटर में या फिर एंगस्ट्रॉम में. ठीक है, नैनोमीटर में अगर हम लेते हैं तो फॉर एग्जांपल दिस इज 10^-9, 10^-9 मीटर के बराबर होता है. पिकोमीटर में लेंगे तो 10^-12 मीटर के बराबर है. एंगस्ट्रॉम अगर हम लेते हैं तो एंगस्ट्रॉम 10^-8 सेंटीमीटर के बराबर है, और अगर हम मीटर में लें तो 10^-10 मीटर के बराबर है. ठीक है, हम मोस्टली एंगस्ट्रॉम का यूनिट यूज़ किया जाता है, लेकिन नैनोमीटर या पिकोमीटर भी हम तब ले सकते हैं जब हमें वैल्यू बड़ी चाहिए होगी. ठीक है, सो ये यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं. क्लियर.
यहाँ पर देखें आपको एग्जांपल्स बताई गई हैं लाइक फ्लोरीन एटम 0.72 उसकी जो है तो आपको एंगस्ट्रॉम में वैल्यू बताई गई है। क्लोरीन के देखें 0.99 एंगस्ट्रॉम, ब्रोमीन के देखें 1.14 एंगस्ट्रॉम, और अगर हम नेक्स्ट वन आयोडीन के देखते हैं देन दिस इज़ 1.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सो ये आपके पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं एटॉमिक रेडियस की। सो हम लोगों ने बेटे क्या पढ़ा इसमें, पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ पढ़ा। व्हाट इज़ पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़? इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़, ठीक है, आफ्टर रेगुलर इंटरवल of time। अगर टाइम के बाद जो प्रॉपर्टी रिपीट होती है उसको हम पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा अबाउट द एटॉमिक साइज। हमने क्या कहा, एटॉमिक साइज क्या है? एटॉमिक साइज जो है हमारे पास वो फिक्स नहीं होता, वो चेंज होता है जब वो डिफरेंट एटम्स के साथ कंबाइन होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने स्पेशली उसमें जो हम लोगों ने डिस्कस किया दैट इज द एटॉमिक रेडियस। नाउ व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, ये हम लोगों ने स्टडी किया। फिर हम लोगों ने कहा कि हम एटॉमिक रेडियस में एक एटम की बात करते हैं, इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द आइसोलेटेड एटम। ठीक है, और हमेशा जब भी हम लोग जो है तो रेडियस को रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज विद आर, और हमेशा जो है तो रेडियस मतलब हम कहते हैं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल्स। जितने नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होते जाएंगे एटॉमिक रेडियस भी उतना ही ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने कहा कि उसके जो यूनिट है उसको हम डिफरेंट यूनिट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज द नैनोमीटर, पिकोमीटर एंड द एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स उसकी डिस्कस की। सो दिस इज़ द टुडेज लेक्चर एंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस द कोवेलेंट रेडियस। ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।